जन्माष्टमी पर्व पर भिलाई 3 स्थित सीएम हाउस आस्था एवं उमंग से सराबोर नजर आया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को कैंप हाउस भिलाई 3 में अपने परिजनों के साथ जन्माष्टमी की खुशियां साझा की। सीएम ने सब परिवार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शंख की प्रचंड ध्वनि से पूजा अर्चना की शुरुआत की। किसी भी पूजा में शंख ध्वनि का विशेष महत्व है, इसी लिहाज से मुख्यमंत्री ने अपने हाथों में शंख लेकर जन्माष्टमी पर्व के आगाज का तृणमूल घोष किया। उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने नाती अथर्व को गोद में उठाकर मटकी फुड़वाई। उन्होंने अपने हाथों से अथर्व को उठाया और इस गोविंदा ने अपने नाना जी के सहयोग से दही हांडी फोड़ी। इसके साथ ही अथर्व ने कन्हैया की लीला भी प्रस्तुत की, जिसके बाद विधिवत भगवान श्री कृष्ण की पूजा की गई। इस मौके पर कैंप हाउस में गोकुल जैसा नज़ारा रहा। पालकी में कन्हैया, मुख्यमंत्री और अथर्व के हाथ में पालकी की डोर और कृष्ण जन्मोत्सव का सुंदर आयोजन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।